तो हेलो दोस्तों, ये है मेरा पहला ब्लॉग। तो हम निकल पड़ते हैं घूमने के लिए, फिर उसके बाद हम जो है पहुँच जाते हैं अपने लिटिल स्विमिंग पूल यानी कि अपने नहर में। मैं यहाँ पर जो है पैर फैला ही रहा था कि मेरा पैर जो है कि ये खींच कर लिए जा रहा है, इसलिए हम इधर से अब अपना पैर हटा कर चल रहे हैं अपने घर की ओर। हम चल देते हैं अपने घर की ओर अब, घूमते टहलते मौज मस्ती करते हुए। उसके बाद हम घर पहुंचते हैं। जैसे ही अंदर एंटर करते हैं तो यहाँ पर लगता है हमारा बिस्तर, और ये रहा हमारा स्टडी रूम, इसी में हम करते हैं पढ़ाई, ये रहे हमारे जो है मेडल्स वगैरह, और यहाँ पे जो है कि हमारे भगवान जी यानी गौतम बुद्ध जी बैठे हुए हैं। ये जो है मेरी दादी कल के दिन लाई थी हमारे पहनने के लिए। फिर उसके बाद हम जो है रेडी होकर तैयार हो जाते हैं दुकान जाने के लिए। मैं चल देता हूँ दुकान की तरफ और यहाँ पर देखता हूँ कि पंडाल जो है सज वगैरह चुका है। दुकान पहुँचते ही हम कस्टमर आने लगते हैं, इसलिए हम जल्दी जल्दी सामान देने लगते हैं। बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, इस कारण से बहुत ज़्यादा हमको थकान महसूस होने लगती है कि यार कितने सारे कस्टमर आ गए, मैं तो थक सा गया था। क्या बताओ यार, इतने ज़्यादा कस्टमर आने लगे कि अब क्या बताया जाए। और मैं बता दूं कि ये मेरा पहला ब्लॉग इस चैनल पे होगा जो मैं पहले अपलोड कर रहा हूँ, और ये मैंने ब्लॉग पहला ही बनाया हुआ है, ये मेरा पहला ब्लॉग है। तो प्लीज़ इसमें जो है कि अपना सपोर्ट दिखाइएगा। फिर हम आ जाते हैं घर की तरफ साइकिल चलाते हुए, मौज मस्ती करते हुए चल देते हैं घर की तरफ। फिर उसके बाद जैसे ही मैं दुकान जा रहा होता हूँ, मेरा मन चलता है कि हम नहर कोठी जाएं घूमने, लेकिन यहाँ देखते हैं तो क्या दरवाज़ा बंद है, इसलिए हम पुनः लौट पड़ते हैं। दुकान पहुँचते ही हमें सबसे ऊपर चढ़ा दिया जाता है छत पर, जहाँ पर हमारा जो है कि सामान फैला हुआ है, और रात भी काफ़ी हो चुकी है। तो हम अब अपना सामान उतारते हुए समेट करके नीचे की